बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसानों, आज आपको इस वीडियो के क्लिप पर बताना चाहता हूं कि जब मूंग की फसल को पैंदा पानी लग जाए तो आप इसमें हल चला दें, ताकि इसमें एक तो अंधारी और तूफान की वजह से ये गिरेगी नहीं, दूसरा का फ़ायदा ये होगा आप अगर इसमें हल चला देंगे तो ये पानी आसान जल्दी नहीं मांगेगी। तो आप देखें ज़मीन कितनी नरम हो चुकी है, बहुत गहरा नीचे हल गया है। तो हल चलाए तो हल का बड़ा मज़ा है, जैसे ट्रैक्टर का हल नहीं लगता वैसे हल लगे हुए, आप देखें कम से कम आधा फुट नीचे ज़मीन की हल चलाए। और उसके बाद आपने सुंडी के लिए स्प्रे अगर करनी हो तो कर दें अच्छी सी प्रोडक्ट, लेकिन हल्की थोड़ी सी करना, ताकि ना इसकी नशो नुमा ना रुके, आप ज़रा सख्त ना करें, आप हल्की स्प्रे कर दें। आपको सुंडी का इस तरीके से पता चलेगा, आप इसके पत्ते देख लें, अगर इसके पत्तों में सुराख हों तो समझ लें इसमें इसको सुंडी लगी हुई है। तो आपको मैं दिखाता हूं, जैसे ये तीन सामने पत्ते खड़े हुए हैं इनमें बिल्कुल एक सुराख भी नहीं है, ऐसे पत्ते हों तो समझ लें इसको सुंडी नहीं है, अगर इसमें सुराख हों तो समझ लें इसको सुंडी है, अगर इस तरीके से पत्ते बिल्कुल साफ सुथरे हों तो इसको सुंडी नहीं है। आप सामने देख सकते हैं पत्ते बिल्कुल ही इसमें सुराख हैं, इनको सुंडी लगी हुई है। तो आप कोई अच्छी सी प्रोडक्ट कर लें, ज़्यादा सख्त ना करना ताकि इसकी नशोनुमा ना रुके, आप वालमार या कोई अच्छी सी प्रोडक्ट कर लें। शुक्रिया।